بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله في الاراضين مهدي المنتظر هنا وأرباه العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنه الله على ادائهم ومنكر فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قيام يوم الدين फातिया के तमाम मोमिन ममनात के लिए तमाम कराम तमाम शहद मिलत के लिए और हम सब के आबा उजदाद और आयजा और रिश्तेदारों के लिए और जिन मोमिन के नाम अभी लिए गए थे رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين محمد وعلى محمد صلوات हमेशा की तरह इस दफ़ा भी कहीं भी अगर मजमून मजालस होती हैं तो एक आध दफ़ा ज़रूर तज्र देने की मैं कोशिश करता हूँ और वह है सूर फ़ात या कार खैर के मान से चाहे एक सूर फ़ात हो या उसके साथ तीन दफ़ा सूर तोहद हो या उनके अलावा कोई और कार खैर हो अलबत्त जिस जानब से मुस्तकिल मजहब अहल पर हमले हो रहे थे अब ईसारे सवाब पर भी हमले हो गए हैं और अब अच्छे ख़ासे लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि हमने शायद इस कैंसर को बर वक्त पकड़ लिया था अलबत् हमारा ख्याल तो ये है कि हमने भी बर वक्त नहीं पकड़ा शायद कुछ लेट कर दिया था सोशल मीडिया के हक पर यानी हमें पहले इस चीज़ को और आगे करना चाहिए था और जो भी किया वो इस्तारा देख के ही हमने किया था और ना करते तो प्रॉब्लम होता तो अब मुमकिन है कि ये सवाल भी उठे कि सवाब हो या ना हो और आप जानते हैं कि इस वक्त ये मौजू वही लाहौर के सामरी ने अपने मदरसे से उठाया है कि जो इंसान कर गया वो है अब उसके लिए सवाब नहीं हो सकता ये एक नया फितना किया है अब इसके मुकाबले में बहुत सारी रिवायात हैं कि जिनमें एक मुशतरक रिवायत जो शिया सुन्नी में है वह है कि जब कब्रस्तान में दाखिल हो तो सलाम करो अमैकुम या अहल कुबूर और शिया सुन्नी दोनों में रवायात हैं अहल कुबूर की ज़िारत के उनवान से ज़्यारत एक तो कब्र तक जाना और देखना वो अलग है यानी जुमलात ऐसे के जिसमें सलाम है और उनसे गुफ्तु है अब अगर ईसाल सबाब नहीं है तो कब पहला सवाल ये होगा कि जब हम कहते हैं असलाकम तो कुछ हो रहा है अल्लाह सुबहाना तला की जानब से इस मुर्दे पे कि नहीं हो रहा हम जब सामने किसी को कहते हैं असलाम यानी बिल आखिर रहमत हो रही है इसके ऊपर तो क्या मुर्दे के ऊपर जो दुनिया से चला गया कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा बेकार है फिर हो रहा है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इसाल हो रहा है। फिर हमारे यहाँ इसके अलावा जो है कसरत से अहले कबूर के लिए इबादत का जिक्र है और जो सबसे अहम मौजू है वो दुनिया से जाने वाले की कजा नमाजें रोजे और हज और इस किस्म की मुख्तलिफ चीजें हैं या दीगर वाजबात हैं फिर एक अहम मौजू आता है बड़े बेटे के लिए बड़े बेटे पर बाप की काजा नमाजें अब वो किस कंडीशन में वो अलग मौजूद है बाज महाराजा ने माँ के लिए भी कहा है और ये वाला मौजूद कल्चर का नहीं है ये फिक्र अहल बैत का है बस ये कहना कि जो दुनिया से चला गया और जो उसने करना था खुद ही किया और फिर मजलिस की भी तोहिन की जाए कि जो आए हैं लोग वो खाने के लिए आए जो पढ़ रहा है वो पैसे के लिए पढ़ रहा है यानी कोई फायदा ही नहीं है किसी भी कस्म का कोई आया है खाने के लिए ये अलग मौजूद है कोई पढ़ रहा है पैसे के लिए अलग मौजूद है असल मौजू यह है कि इसब का इनकार ये फिकल के खिलाफ है या बालफ देकर तालीमत कुरान और इतरत के खिलाफ है और जो इसमें जदली जवाब दिया जा सकता है जो पहले भी इंडिया पाकिस्तान के बहुत सारे लोग दे चुके हैं और वो नतीजा निकाला जा सकता है कि जो हमने ज्यारत अहल अबूर में अर्ज किया कि जब हम कहते हैं असला अगर वो कहता है कुछ नहीं हो रहा तो फिर कहा जाए तुम्हारे बाप के ऊपर लानत हो तुम्हारा भी कुछ नहीं हो रहा तो जब ना रहमत पहुंचती है ना लानत पहुंचती है तो जब तुम रहमत के लिए सेंसिटिव नहीं हो तो लानत के लिए भी सेंसिटिव ना हो ये तो हमने जमनन गुफ्तू कर दी कि हमारे जहन में नहीं था कि इस मौजूद को डिस्कस करें बस ये था कि दुनिया से जाने वालों के लिए जब कार्य खैर करें तो ये जहन में ना आने दें कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ तो चला गया या जो हमने कुरान पूरा पढ़ दिया या जो चंद से पारे पढ़ दिए ये सब के सब तो गए हमारे लिए क्या बचा ना जो भी आप कार्य खैर करेंगे वो अपने हमारे लिए जरूर महफूज रहेगा यानी अगर हमने कुरान पढ़ा उसका तो सवाब हमें जरूर मिलेगा और जब हमने किसी को तोहफे के तौर पर दिया तो मजीद स्वबाब मिलेंगे इस एक तिलावत का सवाब एक किसी से मोमिन से मोहब्बत का सवाब उसकी मुश्किल को हल करने का सवाब मुर्दों को याद रखने का सवाब मुर्दों को याद रखने के कल्चर को बाकी रखने का सवाब इसके ज़रिए से जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद आलाम को दबाम बख्शने का सवाब <laughs> तो ये ना जहन में, में रखें कि जी कुरान तो हमने पढ़ा किसी को दे दिया तो हमारे लिए क्या बचा नहीं हमारे लिए बहुत कुछ बचेगा बल्कि अगर हम ना करते तो सिर्फ एक कुरान का सवाब हमारे पास ही रह जाता किसी को इसाल करने के बाद इन सारी चीजों का सवाब मिले तो कभी भी इसमें कंजूसी या कोताही ना करें बस दुनिया से जाने वालों को भी याद रखें और खसूसा अगर उसने जुल्म किया हो तो माफ कर दें लेकिन जुल्म करने वाले भी याद रखें कि अगर कोई माफ भी कर दे तो भी आइडियल नहीं है आइडियल ये था कि इंसान जुल्म ही ना करता बस जुल्म करने वाले की जिम्मेदारी यह है कि वो जुल्म ना करे जिसके साथ ज्यादती हो वो माफ कर दे अगर कर सकता है लेकिन अगर उस जुल्म का सिलसिला आगे चल रहा है और जुल्म में दबाव में वो कैसे कि जो हमारे माशरों में घरों में आम है मिसाल के तौर पर बाप मरा बहन भाइयों ने प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया भाई आमतौर पर ये काम करते हैं लिहाजा मजाक में कहता हूं इंडिया पाकिस्तान के जो भाई हैं आमतौर पर भाई लोग हैं भाई लोग यानी डॉन डाइव के लोग हैं कब्जा माफिया चोर वो बहनों का हक मारते हैं बस बहन का हक मार लिया भाई ने अब भतीजों की जिम्मेदारी है भाई के मरने के बाद कि वो को हक दे। ये भाई की बीवी की ज़िम्मेदारी है कि वो अब उसके हाथ में पावर आ गई अब नंदों का हक दे। लिहाजा दुनिया से जाने वाला गुनाह के बाद अगर वाकन हम देख रहे हैं इमकान है तो माफ कर देना चाहिए लेकिन इस किस्म की पोजीशन में अगर किसी के बच्चे आते हैं कहते हैं जी फूफी माफ कर दें फूफी को फौरन कहना चाहिए माफ नहीं करूंगी पहले मुझे प्रॉपर्टी दो मेरी क्या हक हाँ है ऐसे में कोई हक हाँ नहीं हमारा हाँ है हाँ हाँ हमारा हक है कह रहे हमारा हक दो माफ़ कर देंगे किराया माफ कर देते हैं चलो सलबात पढ़े पर मोहम्मद वाले यानी तुम लोग इतने दिन रहे हो इसका किराया माफ कर दिया लेकिन असल प्रॉपर्टी दो में तो एक अहम तरीन काम है कि माफ कर दिया जाए नामों में से एक नाम आया था असल में हम उसको डिस्कस करना चाह रहे थे साथ में अगर आपने देखा हो अमतुल्ला इंडिया पाकिस्तान में ये एक नाम है और लोग कहते हैं ये कौन सा नाम है ये क्या नाम है तो असल में ये था जैसे कि उर्दू में हम कहते हैं कनीज जहरा या कनीज फातमा अरबी में ये हो जाता है अमतुस जहरा तो महरा अमा अमा यानी कनीज अमा तो जहरा यानी जहरा की कनीज अमतुल फातमा अब असल में इंडिया में होता था अमा तुल फातमा अमा अब इंडिया में उमूमन यह है इतना पाकिस्तान में नहीं है कि मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला अब्दुल हसन को और अबुल हसन को अब्दुल और अबुल कह देते हैं पाकिस्तान में उमैन ऐसा नहीं है पूरा नाम ले देते हैं बिल्कुल इसी तरीके से वहां पर भी था अमतुल फातमा को अमतुल कह देते थे अब उसके बाद ये इतना राइज हो गया इतना राइज हो गया कि बाज लोग ये समझने लगे कि अमतुल खुद एक नाम है बस अमतुल के बाद वाला जो नाम है तो अमतुल उसके लिए कनीस के तौर पे है मिसाल के तौर पर आमतब अमतुल फातमा जहरा। तो ये एक बार दफ़ा लोगों के जहन में हमने कई दफा देखा है कि जब इस वाले सवाब वगैरह में नाम लिया जाए तो बाद कहते हैं ये क्या नाम है अमतुल क्या चीज़ है ये सलवा पुन मोहम्मद कल हमने तवज्जो दिलाई थी अयाम फ़ातिमिया के बारे में कि ये एक सेंसिटिव मौजू है और अब एक मौजू कि जिसे पिछले अयाम फ़ातमिया में भी, भी हमने दुआ सेंटर में बयान किया दोबारा बयान करें वजह यह है कि अब एक अटैक हो रहा है कि जिसमें हमारे लोग भी शामिल हैं ये जहन में रखें कि एक बहुत बड़ी कल्चर की खराबी समझ लें या स्कॉलर नुमा अफराद के कल्चर की खराबी समझ लें या एक बहुत बड़ी तादाद हमारे ऐसी है वो बीसवें दर्जे के सहाफ़ियों वाली जाली बातें करते हैं उन्हीं जाली बातों में से एक बात पिछले दो तीन साल आप देखते हैं सब कर रहे थे ईसाई भी कर रहे थे यहूदी भी कर रहे थे और मुसलमान भी कर रहे थे यानी मौलवी मुल्ला रहे पादरी वो सभी बीसवें दर्जे के जाहिल सहाफ़ियों की बातों को तकरार कर रहे थे वो क्या चीज है कोरोना का वैक्सीन इसमें यह हो जाएगा इसमें यह हो जाएगा इसमें यह हो जाएगा कोई बेसलेस बातें थी अगर आप देखें यानी दीनी लोगों में सबसे ज्यादा एक मतीन और जो सॉलिड गुफ्तु थी वो मराजे शिया खूस हजरत आयतम सिस्तानी की थी पूरी दुनिया होने का इसमें आवाम को बोलने का हक हाँ नहीं है ये मौजू है तिब का और आम डॉक्टर भी इसमें राय नहीं दे सकता सिर्फ वो दे सकता है कि जिसका ताल्लुक वैक्सीन से है उसमें भी जो बलंदरीन मकाम पर है उसकी राय चलेगी और इस किस्म की बातों से किसी की जान को खतरे में ना डालें उन्हीं में से हमारे यहाँ नजरिया है जो बड़ा आम है जी इस्लाम में ये लिखा है साइंस से साबित है ये बात बड़ी अच्छी लगती है इस्लाम में ये लिखा है साइंस से साबित है मैं हमेशा फौरन पूछता हूं कौन से साइंसदान ने ये बात की है जरा बताओ पहले नहीं साइंटिस्ट ने कहा कौन से वो उसकी क्या हैसियत है उस साइंटिस्ट की कहां पर क्या दलील है किस दुनिया के इल्मी रिसाले में छपा है किस दुनिया की इल्मी महफिल में उसका डिस्कशन हुआ है और अगर दुनिया ही किसी इलमी महफिल में उस थ्योरी को दिया गया है तो उस फील्ड से रिलेटेड कितने आदमियों ने थ्योरी को माना है जी इस्लाम में ये और साइंस ने यह कहा हवाई बात नील आमस्ट्राम ईमान ले आया क्योंकि चांद पर अल्लाह अकबर की निदा आई थी बाद में उसने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है झूठ ये थ्योरिया भी एक वो हैं इसी में का आलम इस्लाम एक और थ्योरी है जो काम है गलत वो डाल दो इस्तेमाल के ऊपर हमारी तो गलती कुछ नहीं इधर डाल दो एलमनाटी के ऊपर इधर डाल दो मिसाल के तौर पर फ्री मैसन के ऊपर इधर डाल दो यहूदियों के ऊपर इधर डाल दो दोस्ट के ऊपर बिलाखिर तुम्हारी अपनी मुसलमानों की भी कोई खामी है कि नहीं है ये जो पूरा कल्चर हमारे आलम इस्लाम में करप्ट किस्म का है ये जो घरों में बीवी शहर से झूठ बोल रही है शोहर बीवी से झूठ बोल रहा है बच्चे माँ बाप से झूठ बोल रहे हैं जिसके ऊपर पूरे एक लतीफे के तौर पर भी है कि फोटोग्राफर ने प्रिंसिपल से आके कहा कि मैं फोटो सेशन कर सकता हूं फी फोटो पांच रुपए लूंगा प्रिंसिपल ने टीचर से कहा कल फोटो सेशन होगा बच्चों से कहो कि दस लेके आए टीचर ने बच्चों से कहा पंद्रह लेके आना बच्चों ने माँ से कहा कि कल बीस चाहिए माँ ने बाप से कहा कि कल पचास चाहिए और जो हमारे माशरे में इतना झूठ है जो हमारे माशरे में इतना दगा है और जो हमारे माशरे में इतना फरेब है हमारे माशरे में जो हक मारना है दवाएं जाली हैं ये बासान सारा कुछ अपना भी है तो ये खुद एक याद रखें कि पूरे ही आलम इस्लाम में एक नशे की सी कैफियत है कि हमारी कोई गलती नहीं है और जिस कौम को अपनी गलती का एहसास ना हो कभी उस गलती को सही नहीं कर उनकी गलती कुछ नहीं है और उसी की एक लहर ये चल रही है अब हमारे यहां ये उसी का तसलसल है क्योंकि जहालत पे जहालत बढ़ती चली जाती है जहां पहले बैठ का दिफा करें जी एम आई सिक्स ये काम हो गया है। अब उसी में सिलसिला हो गया अम फातमिया क्या है की साजिश भी दुश्मन कर रहे हैं कि जी ये किस की साजिश है ये अलबत्स की जो बाबा है ये शियों से शुरू हुई थी यानी जब किसी चीज का आपके पास जवाब ना हो तो इस किस्म की ऑल फॉल बीस दर्जे के पच्चीस दर्जे के जाहिल किस्म के सहाफियों की बातों को आगे ले जाकर अपना दिफा कर लें लिहाजा अब ये वाला बड़ा उठ गया है और खसूस इन एयाम में पिछले साल भी और उसके अब दोबारा भी कि यह एक दुश्मन की साजिश है शिया सुन्नी में इख्तलाफ कराने की वरना शियों में भी अयाम फातमिया के बारे में क्या कहा जा रहा है कि जी नहीं थे यानी दूसरी जानब से और पिछले साल इतफ़ाक़ से जब एक साहब ने कि अपने आप को इलमी किताबी कहते हैं उन्होंने ये मौजू उठाया और कहा कि ये तो दुश्मन की साजिश है क्योंकि ना तो शहादत हुई और ये शहादत का भी नया मौजू है बकौल उनके और यह अयाम फ़ातमिया का भी नया मौजू है और ये चंद साल से शुरू हुआ है और शी को मैं चैलेंज करता हूँ कि पाँच सौ साल पहले दिखा दें कहीं अयाम फ़ातमिया होते थे और उससे दो तीन हफ्ते पहले या चंद महीने पहले की शायद बात है कि हमने एक हवाले का फोल्डर बना के रखा हुआ था और जहन में यह था कि इसके ऊपर करूं देखता हूं क्या होगा इसका जैसे ही उसने इस मौजू को डिस्कस किया तो हमें याद आया कि अजीब ये हम सोच रहे थे कि इस किताब के हवाले का कहाँ पे इस्तेमाल होगा तो अब ये आपके सामने हम बयान कर रहे हैं ताकि इसको सुने सुनने के बाद जब भी एतराज हो बेशक हमसे पूछें या इस मजलिस को जाके आप देखें और उसके बाद जवाब दें और कभी भी ना हमारे जो जोहला हैं बीसवें पच्चीसवें दर्जे के जाहिल कस्म के सहाफियों की मैंटलिटी रखने वाले ना उनके ऊपर अपने उनको अपने ऊपर मुसलत होने दें और ना दूसरों को होने दें सल बात पढ़े पर मोहम्मद मोहम्मद अब इस साल चल रहा है तो दला नबूात अब्दुल जब्बार बिन अहमद हमजानी अलमुतबा चार सौ पंद्रह कितने साल हो गए कितने साल पहले ये गए दुनिया से एक हजार उनतीस साल अब अगर मरते मरने वाले दिन किताब लिखी है तो एक हजार उनतीस साल हो गए लेकिन कम से कम इसको लगा लें पांच साल दस साल बीस साल पहले अब ये मौसूफ शियों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं बिल्कुल वैसे जैसे इंडिया में अगर आप सवाल करें शिया कौन होते हैं तो सबसे पहला इंडिया या पाकिस्तान में जो उनका इंट्रोडक्शन कराया जाएगा शिया वो होते हैं जो मातम करते हैं शिया वो होते हैं जो मुहर्रम में जुलूस निकालते हैं शिया वो होते हैं जिनका आलम है ताजिया है जुलझना है या अगर दुश्मन कहेगा तो क्या कहेगा शिया वो हैं जो घोड़े को पूछते हैं उसमें बिल आखिर जो शियों की अहम तरीन एक अलामत है वो क्या है आजादारी है इमाम हुसैन अल सला चाहे वो हिंदू इंट्रेक्शन कराए चाहे वो शिया कराए चाहे हत्ता गोगल में जाके हो लेकिन क्या दिखाते हैं हमेशा चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे दुश्मन के जरिए से हो चाहे दोस्त के जरिए से हो चाहे किसी न्यूट्रल फर्द के जरिए से हो जो अहम तरीन जलवा और मजहर शियों का नजर आता है वो क्या है आजादारी तो ये साहब एक हजार उनतीस साल पहले सफ़ा नंबर फाइव नाइन फोर में शुरू करते हैं गुफ्तु को कौन है और मुख्तलि का नाम लेने के बाद ये आते हैं अभी अब्दुल्ला मोहम्मद बिन नुमान यानी जनाब शेख मुफीद उनका नाम लेते हैं और उसके बाद जो है बताना शुरू करते हैं हाउला मिस्र एक बहुत बड़ी गलत फहमी और एक बहुत गलत जुमला जो बाज़ दफ़ा मोमिन अपनी जबान पर लाते हैं गलत फहमी क्या है दुश्मन भी ये चाहता है बाज़ दफा मोमिन के जहन में भी आता है कि हम एहल सुन्नत से जुदा हुए हैं या हम उनसे अलग हुए ना हम इस्लाम हैं यानी तालीमत कुरान और वह बैत इस्लाम है उन्होंने अशरफुल अंबिया को धुतकारा है हजर हिजियान और, और बकवास की नस्बत दे के उनके बड़े ने वो शख्स अपनी कौम को लेके अलग हुआ है रसूल अल्लाह के कौल को बकवास कह के रसूल अल्लाह को पागलपन की बातों की नस्बत दे के रसूल अल्लाह को बहकी हुई बातों की नस्बत दे के वो अलग हुआ है इस्लाम से अपने लोगों को लेकर कभी ना जहन में आने देखे इस्लाम और हम ना हम इस्लाम है वो हमसे अलग हुए हैं इस्लाम क्या है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जहर जिस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है याद रखें उस वक्त इस्लाम रसूल अल्लाह है अब कहें कुरान कुरान भी रसूल अल्लाह से मिला है कुरान किससे मिला है कोई आसमान पे लिखा हुआ नजर आया था रसूल अल्लाह से मिला है और उनको कहा गया जब बहकी हुई बातों की नस्बत देके हजर एजियान और बकवास और फिर उर्दू के तर्जो में भी पाकिस्तान में छपता है बर्रा रहे हैं और फिर कहते हैं तो रिसाला तो तुम कर रहे हो तो ये लोग अलग हुए तो हमेशा जहन में रखें हम नहीं अलग हुए वो अलग हुए एक बात बज दफा लोग कहते हैं कि जी फलाना आदमी मुसलमान हुआ फिर शिया हो गया जुमला है यहां पर फलाना आदमी सुन्नी हुआ फिर शिया हो गया ये सही है फलाना आदमी शिया हुआ फिर सुन्नी हो गया ये भी सही है फलाना आदमी सुन्नी मुसलमान हुआ फिर शिया मुसलमान हुआ ये कहें इस्लाम में वाकई कुरान और अहले बैत है और कुरान और अहले अहलेत के मानने वाले हैं याद रखें क्योंकि अशरफुलंबिया अपनी जिंदगी में वो इस्लाम है जब वो दुनिया से जा रहे थे तो क्या हुक्म दिया तारीखों फीको मतल फिर अशरफुलंबिया के बाद इस्लाम दो चीज़ें हैं अहलेत और कुरान और अब यहां लोग कहते हैं जी शिया सुन्नत को नहीं मानते ना सुन्नत रसूल अल्लाह अहलबैस से मिलेगी उनसे नहीं मिलेगी कि जो अशरफुलंबिया को माजल्ला बहकी हुई बातों की नस्बत दें तो इस चीज को भी बिल्कुल जहन से निकालें हम इस्लाम हैं ये असल चीज है असल बात यह है फिर यह कि जी हम कलील हैं हाँ जाहिर है जुल्म हुआ कलील है लेकिन ऐसी बात नहीं है कि नए हैं और बहुत सारी जगह थे जहां हमारी आबादियों को खत्म किया गया अब ये साहब फरमाते हैं हाउलाए ये लोग मिस्र में हैं अब मिसाल के तौर पर मिस्र में जब ये आया सलाउद्दीन अयूबी इसने सल्तनत फातमिया को खत्म किया और सल्तनत फातिमिया ने बिल आखिर अहलेत के मानने वाले थे और मिस्र और त्योनेस जजायर इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में पूरे नॉर्थ अफ्रीका में इस्लाम का जो असल जलवा था वो आजादारी इमाम हुसैन था सब कुछ बंद होता था तातील होती थी आजादारी इमाम हुसैन होती थी और सलाहुद्दीन अयूबी ने आने के बाद इस सल्तनत को ख़त्म करने के बाद फातमियों के आजादारी इमाम हुसैन पर पाबंदी लगाई और योम की जगह ईद उजफर करार दिया खुशी का दिन और फिर यह सिलसिला शुरू हुआ कि जो अब तक नजर आता था मिसाल के तौर पर हम सिया सबीले बना रहे हैं वो लाल बना रहे हैं। पूरी दुनिया में आशूर के दिन खाने पकाए जा रहे हैं ये एक से का जलवा अब अगर इस चीज को आप देखें तो यहां हम लोग जीत गए अब हमने इतना अहलबैत का जिक्र किया है कि अब किसी नासिबी की जरूरत नहीं होती हलवे पकाने की और सवैया बनाने की इतने धड़ल्ले से अब जब सेवै का जिक्र आया तो कहते हैं जी इंडिया की रस्म है ना ये बिल्कुल अच्छी रस्म थी क्यों अच्छी रस्म थी ये कराची में बैठ के नहीं समझ में आएगी आपको जिस तरह से रमजान में पाकिस्तान के हलवाइयों की दुकान पे आपको चीज नजर आती है खजला फैनी स्पेशली नजर आता है ना अभी आम दिनों में नजर नहीं आता आपको ताज्जुब होगा लखनऊ में और मुख्तलिफ इलाकों में पहली मुहर्रम से शुरू हो जाता था अंबार के अंबार दुकान पर सेवै के आशूर के दिन पकने के लिए वो सेवैया अलामत होती थी अहले अहलेबैत की कि आशूर के दिन पकेंगी अब जाहिर है कि वो बोहजे अहले बैत की अलामत थी तो शिया उसको ना हाथ लगाते थे ना खरीदते थे यानी इंडिया में खसूस लखनऊ के और बाद इलाकों में सेवैयों के जो पूरे के पूरे अंबार लगते थे वो दो दिनों में लगते थे एक माह रमजान के आखिर में ईद के लिए और एक पहली मुहर्रम से आशूर के लिए अब आप तस्वुर करें कि जो इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान में अगर सेवैया नहीं बनने देते तो उन सेवै का मुकायसा आप स्पगेटी से या नूडल्स से नहीं कर सकते इनग्रीडियंट एक हो सकते हैं लेकिन देखना ही होता है कि वहां उस में मसला आटे का या मैदे का नहीं है अहले बैत का था बैत का था और अहले बैत के चाहने वालों की जिम्मेदारी यह है कि उनके हर अमल से अहल सलाम का दिफा हो हर अमल से बैत का दिफा हो और यहां से आपको पता चलेगा कोई भी काम के जिससे अहलबैत की याद ताजा होती हो कितनी बड़ी इबादत है जो हमारे लोग भाजपा कहते हैं ना क्या फायदा मजलिस का मिलाद का ये 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 और हमेशा फितना करते हैं एक बार बार कहना पड़ता है कि जी वेलफेयर में लगाया जाए अभी एक नया शोशा छोड़ा हुआ है पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियां शियों ने कितनी बनाई ना यूनिवर्सिटी बनाना शियों की जिम्मेदारी नहीं है यूनिवर्सिटी बनाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है हमें फासिक और फाजर गवर्नमेंट को लगाम लगाना चाहिए और कहना चाहिए कि बजट एजुकेशन में लगाओ शिया यूनिवर्सिटी लगाएं आजादारी बंद करके शिया यूनिवर्सिटी बनाएं आजादारी बंद करके कितनी देवबंदियों ने अहले हदीस ने बरेलवियों बनाई यूनिवर्सिटी बनाओ कौन कह रहे हैं शिया नुमा लोग कह रहे हैं कि आज़ादारी पे खर्चा कम करो यूनिवर्सिटियां बनाओ क्या किसी वहाबी ने देवबंदी ने कहा कि हज और उम्रे पे और कुर्बानी पे खर्चा कम करो यूनिवर्सिटी बनाओ आप देखें आवाज भी उठी तो हमारे यहां से उठी क्या आवाज उठी के मजालिस कम कर दो इस साल और करबला ना जाओ इसके बदले पैसा दे दो सैलाबजा खान को क्या किसी ने कहा कि कुर्बानी खत्म कर दो जबकि कुर्बानी का ज़माना था क्या किसी ने कहा कि हज और उम्र इस साल नहीं होगा सबका सब पैसा दे दो सैलाबादा खान को किसी ने नहीं कहा वजह क्या है कि हर जानब से साजिशें हैं जिक्र इमाम हुसैन को जबा करने के लिए अब ये फरमाते हैं हा उलाए बे मिस्र ये शिया कहाँ पर हैं मिस्र में हैं वह बे रमला रमला में हैं एक रमला है एक रामुल्ला है ये दोनों के दोनों फलस्तीन में हैं और उस फलस्तीन में जिस पर अब इसराइल का कब्जा है वह बे सूर लुबनान का इलाका है सूर वह बे अक्का ये इस वक्त इसराइल की एक बंदरगाह है वह बे इसको कहा जाता आजकल इश्कलोन और जब भी मैं इसका जिक्र करता हूँ तो इसको आप लोग सर्च कीजिएगा कि इश्कलोन के एक हॉस्पिटल में आप लिखेंगे इश्कलोन हॉस्पिटल रास हुसैन तो आपको आएगा कि इस वक्त इसराइल के कब्जे में असकलान है इश्कलोन वहां पर एक हॉस्पिटल है मेन हॉस्पिटल में एक जो लॉन है उसमें एक चबूतरा बना हुआ है वो जो चबूतरा है वो रास हुसैन है उस चबूतरे का पूरा इंतजाम जो है वो बोहरियों के हाथ में अच्छा काम है और वो लोग बाकायदा इंडिया से जाते हैं क्योंकि जब मिस्र सर गया था इमाम हुसैन का तो कुछ दिन इश्कोलोन में रहा था उस जगह पर कि जहां इस वक्त अस्पताल बना हुआ है वब अस्कलान वब दमिश्क यानी शाम वब बगदाद यानी इराक़ वब जबल समाक यानी अदलिब वगैरह शाम का एक अलग इलाका अब जो सबसे पहली सिफत बयान कर रहे हैं कितने साल पहले एक हज़ार उनतीस साल आज के दिन कुल हाउलाए बहादुर नवाही अब कह रहे हैं कि सब के सब इन जगहों पर कुल हाउलाए बहादुर नवाही इन इलाकों के सब के सब यानी से हमारी पॉपुलेशन का भी अंदाज़ा होता है यदाउन है तशहिया तशहियों ये दावा करते हैं शिया होने का हमारी बड़ी पॉपुलेशन थी वह मुहब्बत रसूल अल्लाह और रसूल की मोहब्बत सल्ला और यदा तशैय व महबत रसूल सल्लाम वह बैत ही यह शिवों की पहली सिफत अकीदे के से। अब जो अमल के एबार से पहला काम यह साहब बयान कर रहे हैं और ये आम आदमी नहीं ये काजुल हैं फैबकून अला फातिमा यहां से पता चलता है उस जमाने में आजादारी इमाम हुसैन से ज्यादा आजादारी हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा थी फैबकून अला फातिमा पहली सिफत इनकी ये बयान हो रही है वाला इब्न हल मोहसिन ये रोते हैं फातिमा पर और उनके बेटे मोहसिन पर अल्लज़ी ज़अमू अन्न उमर क़तलहू कि जिसके बारे में ये लोग गुमान करते हैं कि उमर ने उनको कत्ल किया है जो इबारत है वो पढ़ रहे हैं यहाँ पर फातिमा फातमा लिखा है तो वो हमने पढ़ दिया है और उमर का उमर लिखा है वो असल इबारत है यबकू अला फातिमा व अलाबन अल मोहसिन उमर कतला अब उसके बाद वही तहमतों का सिलसिला तहरीफ कुरान वगैरह का फिर उसके बाद चीज बयान हो रही है क्या बयान हो रही है युकीमून अल मुनशदीना वल मुनाहत ये लोग कायम करते हैं किसको कसीदों की महफिलों को और किसको नौहों की महफिलों को की थी। फिर उसके बाद अगले पैराग्राफ में याखुज़ूनहुम फी मजलिस ये मजलिस मुनिद करते हैं उसको कहते हैं मजलिस ताजिया। ताजिया, ताजिया ताजिया यानी वो इंडिया पाकिस्तान में जो चीज बनाते हैं वो नहीं ताजिया नहीं ताजियत यानी ये लोग बैठते हैं एक महफिल मुनद करते हैं किसकी पुरुषे की महफिल रोते हैं उसमें अब आप तसव्वुर करें कि एक हजार उनतीस साल पहले यह चीज थी अब यह कहना कि यह इस्तेमार की साजिश है, ना। सुन। है। बैत की रविश थी जो आयम सलाम से मिली है हाँ हमें किसी के लिए ना गंदी जबान इस्तेमाल करनी है और वो हम नहीं करते लेकिन हक बयान करने अब फिरौन को जाहिर है हमें फिर कहना है शाद को शाद ही कहना है अगर किसी का दिल चाहे कि फिरौन रजी अल्लाह कहे तो ये उसका हक है शाद रजी अल्लाह कहे भी उसका हक है और अगर वो शैतान रजी अल्लाह कहना चाहता है ये भी उसका हक है वो जो चाहे करे हमसे तवक्को नहीं रख सकते लेकिन अगर वो अशरफ उलंबिया के वालिद को काफिर कहकर ये तस्वुर करते हैं कि फिर दूसरों को भी रोकें अगर उनके वालिद को काफिर कहा जा सकता है तो दूसरों के बारे में भी शक किया जा सकता है अगर अशरफ अंबिया की वालदा को काफरा कहा जा सकता है तो फिर इसका मतलब है दूसरों के लिए भी राहें खुली हुई हैं हमें अगर अजियत दोगे तो हमें सबसे ज्यादा अजियत होती है जब हजरत अब्दुल्ला को काफिर कहा जाता है या हमारे मोमन की भी गलत फहमी हम हम तालिब का ज्यादा जिक्र करते हैं हमें करना चाहिए नहीं कि ना करें लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हम हजरत अबू तालिब का इस्लाम उन लोगों से मांग रहे हैं कि जो रसूल के बाप को मुसलमान नहीं समझते जो उनके वालिद को मुसलमान नहीं समझ रहे उनसे हम कह रहे हैं कि चचा को मुसलमान समझ लो जो रसूल की माँ को मुसलमान नहीं समझ रहे उनसे हम कह रहे हैं रसूल की चची को मुसलमान समझ लो जो खुद रसूल को चालीस साल तक मुशरक समझ रहे हैं हम कह रहे हैं कि जी रसूल के चचा को मुसलमान समझ लो जो उनके अकायद में से अहले सुन्नत का कि वो चालीस साल तक माजल्ला मुशरक से ढोल पीटते हैं तो हिना रिस का ईरान में भी तकरीबन आज से तीस साल पहले तीस तो तकरीबन पच्चीस साल पहले जब आगे अहमद मोहम्मद खातिमी प्रेसिडेंट बने तो वहां पर भी उससे पहले भी अयाम फातमिया होते थे इसी बीस दिन के अब इसको भी इशू बनाया जा रहा है कि ईरान में छुट्टी नहीं होना शुरू हुई है हां छुट्टी अलग मौजू है शहादत अलग मौजू है। के पर अगर इमाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शहादत पर वहां छुट्टी नहीं होती और आज से वहां छुट्टी शुरू हो जाए तो यह कहा जाएगा कि यह शहादत नहीं हो गई है ना यामे फातमी वहाँ पहले से होते थे तेरह जमात तीन सानी बीस दिन लेकिन हाँ छुट्टी कब हुई है जब मोहम्मद खातिमी साहब प्रेसिडेंट बने और वो कुम आए महाराजे के खिदमत में तो खुद हमारे एक उस्ताद आयतुल्ला मोहम्मद इब्न रजा खुदाबंदी को तुल उम्रता फ़रमाए उन्हीं के मदरसे में हम पढ़े थे उनके वालद आयातल मेहदीब अब्न रजा और उनके दादा भी आयातल सब खानसार के थे और अहिल बैतुल के बाखं सफ़े अबल के चाहने वालों में से और ख़ुद हमारे दिल में बैत अहिल के फजाइल को पहुँचाने में उस मदरसे का और उनका बहुत बड़ा दखल है मिसाल के तौर पर आयतल इब्न रजा जो हैं यानी हमारे उस्ताद के भी वालद और वो भी उस्ताद थे वो अब तक हमें याद है एक दफ़ा उन्होंने कहा अपने मदरसे के लॉन में कि बहुत मां दरख्त थे बड़े फूल थे उन्होंने कहा ये सारी कीमत वसूल हो जाएगी अगर इस मदरसे से तुम में से एक भी मीर हामिद हुसैन बन जाए मीर हामिद हुसैन लखनवी कौन वो और नासिर हुसैन लखनवी कौन वो उन्होंने वो किताब लिखी है जो पूरे आलम तशैय में पूरे आलम इस्लाम में इतनी बड़ी किताब इमामत के मौजू पे कभी नहीं लिखी गई हमारे जहन में क्या है इंडिया पाकिस्तान के सारे मौलवी जाहिल थे ना हमारा ये काम नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान के सारे बड़े थे और ईरान इराक के नीचे हैं या ईरान इराक के सारे बड़े हैं पाकिस्तान इंडिया के नीचे है ना हर जगह जो खिदमत कर रहा है जिसका जो मकाम है उसको देना चाहिए इंडिया पाकिस्तान में ऐसे उलमा गुजरे हैं जो पूरी दुनिया में नहीं गुजरे याद रखें लेकिन सारे नहीं हैं हम जैसे भी हैं लेकिन मीर हामिद ना हम पर कयास कर लिया जाए मीर नासिर हुसैन को ना हम पर कयास कर लिया जाए तो वो खुद फर् खुद मुझसे कहा कि आयतुल्लाह आयतुल्लुजमा बहुत आसानी के पास आए थे आ गए मोहम्मद खातमी तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ अंदर कमरे में चलो तो हम सब बाहर बैठे थे वो उनको कमरे में ले गए बकरी तकरीबा बीस से पच्चीस मिनट या आधे घंटे के बाद ये लोग निकले बाहर दोनों की आंखें घिरी से जो है वो सुरख हो रही थी उसके बाद जैसे ही तहरान पहुंचे जाहिर प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने पार्लियामेंट का इजलास बुलाया और कहा कि तीन कहा कि जनाब सैदा की शहादत पर छुट्टी होनी चाहिए उससे पहले छुट्टी नहीं होती थी तो ये जो ईरान में छुट्टी हुई है ये आयतल उज्मा वहीदे खरासानी के और आयतुल्लास्मा शेख जबाद तब्रेजी रजवानल्ला तरार पर और फिर बाद में आयातुल्लाजमा लुफुल्ला साफिया गुलपाए गानी के इसरार पर आगे मोहम्मद खातिमी ने इजलास बुलाया और पूरी पार्लियामेंट ने इसको पास किया और छुट्टी शुरू हुई अब इसे क्या बहाना बनाया जा रहा है कि जी ईरान में इससे पहले अयाम फातमिया नहीं होते थे ना अयाम फातमिया होते थे छुट्टी अलग चीज़ है ये वो मुगालते हैं कि जिसको हमारे मोमिन को समझना चाहिए कि जब आपके जहन में कोई ये डाले कि जी अयाम फातमिया नई चीज़ है इस्तेमाल की साजिश है तो आप फौरन ढूंढ के इसको निकालें कि जी एक हजार उनतीस साल पहले तो होते थे कि जब यह अमेरिका कैनेडा तक लोग पहुंचे भी नहीं थे और फिर यह कि जी ईरान में नए है ना ईरान में नहीं नहीं है छुट्टी अलग मौजू है अयाम फातमिया अलग मौजू है मोहम्मद और बहीद खुरासानी जो सेंसिटिव हुए थे और आयतुल्लास्मा जवाद तबरेजी रजमान त और बाकी मराजे इस वजह से कि पाकिस्तान से वहावियों के जरिए से किताबें छपकर पूरे सिस्तान बलोचिस्तान में पहुंच रही थी जिनमें से एक किताब उस जमाने में छपी थी फातम जहरा अज ता अफसान शहादत अफसान शहादत ये वो किताब थी कि जो देवबंदियों के जरिए से पूरे सिस्तान बलोचिस्तान में फैल रही थी और जनाब सैदा की शहादत को मशकूक बनाया जा रहा था और जैसे ही ये काम हुआ वैसे ही नोटिस लिया आया शेख हुसैन खुरासानी ने जो इस वक्त एक सौ एक साल के हैं सीनियर तरीन मराजे में से हैं और उन हजरा में से हैं कि जो इस वक्त के आलम हजरात में से हैं जो खुदावन तबारक और उन्हें तूले उम्रता फरमाए सेहत और आफियत के साथ उन्होंने इन महाराजे ने एक्शन लिया और फिर इस छुट्टी को करवाया डिक्लेयर और फिर इन्होंने पहली छुट्टी के दिन ऐलान किया था आगे वहीद ने और आगे जवाब तबरेजी साहब ने कि जितनी भी अंजुमने हैं क्योंकि इस दफा अचानक अभी छुट्टी हुई है तो उनके पास बजट नहीं है प्लानिंग नहीं है तो जिसको जितना पैसा चाहिए वो हमसे ले जाए लेकिन जनाब सैदा की शहादत आशूर जैसी हो ये बहाना ना हो कि जी हमारा बजट नहीं था तैयारी नहीं थी उन्होंने कहा जिसको जितना चाहिए वो हमसे लेके जाए पैसा अभी पैसा किसमें से उन्होंने दिया होगा जाहिर है सहमे इमाम में से सहम इमाम किस काम के लिए होता है दीन की तबलीग के लिए बिला शक इस दीन का दारो मदार मसलूमियत अहल बैत पर है और पूरी मसलूमियत अहल बैत अलैहिस्सलाम का दारो जनाब हजरत फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की मसलूमियत पर तो ये वो गुफ्तगु है कि जो बड़ी जरूरी है ताकि कभी भी किसी किस्म का वायरस आने से पहले आप को वैक्सीन लगा हुआ हो और आप जवाब दे सकें भूल भी जाए तो उसको ढूंढ़ें ना ढूंढ सकें हमें फोन करें लेकिन कहीं पर भी अहले अहल बैतमलम के मामले में वो जो एक रोशन फिक्री दिखाई जाती है कि बाज दफा हो जाते हैं और एक गुनाह है आप किसी को छेड़े नहीं लेकिन अगर कोई छेड़े तो यह एटीट्यूड नहीं होना चाहिए नहीं नहीं हम मजहब के मामले में नहीं बोलते कैसे नहीं बोलते वो तो तुमको छेड़ रहा है और तुम जवाब नहीं देते आप ना छेड़े लेकिन कोई छेड़े तो ईट का जवाब हमेशा पत्थर से देना चाहिए वजह क्या है वजह यह है कि वो आपको छेड़ेगा तो आपके जूते लगाएगा लेकिन अगर आप उसको जवाब दे देंगे ना तो फिर वो डर जाएगा आपके खामोश होने से ना समझे कि वो आपको बुर्दवार समझेगा आपके खामोश होने से वो समझता है कि इनके पास जवाब नहीं है और अगर जवाब होता तो जरूर देते जब भी जनाब सैदा सलाम का जिक्र होता है तो सबसे पहले जो मौजू आता है फौरन जहन में उनकी शहादत का आता है और जो दूसरा जिक्र आता है वो उनकी मीरास का आता है और बिलाशक ये जो वाकया है फदक का इसको भी हम लोग लिमिटेड कर देते हैं सिर्फ फदक नहीं था जनाब सैदा की और भी चीजें थी कि जिनमें हवाए तबा यानी सात और बड़ी बड़ी जमीने या पाकिस्तान के उसमें कहा जाए मुरबे के मुरबे या जहां पर फसलें उगती थी उन पर भी कब्जा किया गया था फदक तो पूरा एक अलग मौजू था और यह भी जहन में रखें कि जनाब सैदा के दो हक पामाल हुए थे एक टेक्निकली गलती हम लोग भी कर देते हैं कि जी उनको उनकी मीरास से रोक दिया गया ना मीरास अलग थी फदक मीरास नहीं थी वो तो उनके हाथ में था जनाब सैयदा के हाथ में था मौला अमीरुल उलमोमिनीन के हाथ में था अशरफुल अंबिया की जिंदगी से उनके वहां पर लोग काम करते थे मजदूर काम करते थे उनके नुमाइंदे वहां पर बैठे हुए थे और इस कब्जे के लिए कुरान को छुटलाया गया अल अंबिया के कौल को छुटलाया गया और बाद में एक रिवायत लाई गई लंबिया लानू रस के हम अंबिया वरान छोड़ते माता तो रखना हो सदका और जो छोड़ते हो सदका होता है अब ये बड़ी अजीब बात है कि बेटी को अल अंबिया के माल में से कुछ ना मिले लेकिन बीवियों को कमरे मिल जाए यानी पूछा जाए कि अशरफुलंबिया कहां दफन हुए बड़े जोरों शोर से कहा जाता है जी हजरत आयशा है कमरे में यह अलबत्त खुद एक डिबेट वाली चीज है ये कमरा उनका था या ये कमरा जो है ये वो था कि जो अशरफुलंबिया का अपना कमरा था मान लिया उनका कमरा सबसे पहला सवाल होगा उनका कमरा ये कहां से आई बात जब उनके वालिद ये कह रहे हैं कि अंबिया मीरास नहीं छोड़ते तो फिर उनकी बेटी को कहां से मीरास मिल गई फिर जब दफन का मौजू आया तो कहां से ये मौजू आया कि जी मैंने इजाजत दी है कि मेरे वालिद दफन हो जाएं और बाद में जब दूसरे सियासी खलीफा दुनिया से जाते हैं तो उनका बेटा आता है अब्दुल्ला अबिन उमर और कहता है कि मेरे वालिद की ख्वाहिश है कि वो भी रसूल अल्लाह के पास दफन हो तो आप इजाजत दे, दे दें आप कौन है कल तक आप ही लोगों ने तो कहा था कि रसूल की मिरास नहीं होती कल तक आप ही लोगों ने कहा था रसूल की मिरास नहीं होती और उम्मातुल मोमिनीन में वाकअन जो माँ का मकाम रखती हैं किसकी माँ हत्ता मौला अमीरुल मोमिनीन की माँ जनाब सैयदा की माँ इमाम हसन इमाम हुसैन की माँ वो थी हजरत उम्म सलमा सलामुल्लाह अलैहा जिस वक्त उनका हक पामाल हुआ और ये झूठी रिवायत बनाई गई अब ये कहा जाता है रिवायत मशहूर है याद रखें नहीं इसके ऊपर हमारा पूरा डिस्कशन भी है कि खुद जनाब आयशा ने कई दफा कहा कि अंसार मुखालफत में खड़े हो गए थे याद रखें कि अंसार भी अलग हो गए थे महाजर अपने चक्करों में पड़े हुए थे तो वो कहती हैं कि एक मुश्किल आई और मुश्किल ये थी रसूल की मीरास तो किसी को भी इल्म नहीं था मेरे वालिद के किसी को भी मौजू को हजरते बड़े जलाल के आलम में डिस्कस किया कब के जब जनाब सलामुल्लाह सलाम को मजबूर किया गया कि वो आए और अपना हक तलब करें और खड़ी रहीं और गुफ्तु फरमाती रहीं और फिर उनके कौल को नहीं माना गया तो जनाब हजरत अपने कमरे से चीखी थी और तफसीली खिताब किया था जिसमें एक अहम मौजू यह था रसूल को जो हुक्म हुआ था कि जिसके बाद उन्होंने दावत जोशीरा दी थी अब उन्होंने कहा अल्लाह का हुक्म रसूल को यह था वंजर कल अखराबीन सबसे पहले किसको पैगाम दो कि ये हुक्म कैसे मुमकिन है कि जिसको अल्लाह का पहला हुक्म ये आ रहा है वंजर कल अखराबीन अगर ये मौजू होता तो रसूल पहले फातिमा को बताते और अकल भी यही कहती है कि जिनका माल है यानी जिनको मिलना था कौन थी जनाब सही था तो अंबिया को उन्हें बताना चाहिए था कि अ फातमा कुछ नहीं होगा तुम्हारा सिर्फ एक आदमी को पता है सिर्फ एक आदमी को और दुनिया के किसी भी कोर्ट में ये नहीं चलता कि यही शख्स दावा करने वाला है यही शख्स दलील देने वाला है कि जिसे कोई नहीं जानता और यही शख्स जो है वो जज है इससे ज्यादा काला कानून और जंगल का कानून के जो जनाब सैदा के मुकाबले में आया दुनिया में कहीं नजर नहीं आता खुदावन तबारक वाली की तमाम मलाइका की तमाम अंबिया की तमाम ओसिया की तमाम मोमिन की लानत हो दुश्मन ने मोहम्मद पर खुदा तबारक वाल तमाम तमाम अंबिया तमाम ओसिया तमाम मोमिन इंस का दरुद सलाम हो मोहम्मद मोहम्मद पर और फिर जनाब सैदा ने फ़ाइाइल बयान किए हज़रत उम्मीद सलाम ने और जनाब सैदा की मंजलत बयान की और अशरफुलंबिया से जनाब सैदा को मोहब्बत थी वो बयान की और उसमें एक जो जाहिर के जो दिल को नरम करने वाली चीज़ें और लोगों को के ईमान को ताज़ा करने वाली चीज़ें थी और जनाब सैदा के मकाम को बयान करने वाली चीज़ें थी उसी में हजरत उमर सलमा ने एक बड़े अजीब तरीके से जनाब सैदा के फजाइल पड़े के रसूल ने उन्हें पाला था और वो अपने दाहिने हाथ पर लिटाते थे और बाहना के जरिए से उन्हें उड़ाते थे यानी बिल्कुल इस तरह से सुलाते थे जनाब अब ये जिक्र कर रही हैं कहाँ पर उस मजमे के सामने और लोगों को गैरत दिला रही है कल तुम जाओगे रसूल के पास तो क्या जवाब दोगे एक पूरा खिताब है कि जिसमें उन्होंने लोगों को ललकारा है और सही माना में जो है वो जलील किया है जिसे कहा जाएगा और जनाब सैदा के फजाइल और जो अहम तरीन नुकता था वो यही था वह अंजर अश अख्रबीन सबसे पहले हुक्म हुआ था कि रिश्तेदारों को और यहां पर भी यह तो मौजू ही रिश्तेदारों का है यह पर्दे का मौजू नहीं है तमाम मुसलमानों का हो यह ज़कात का मौजू नहीं है तमाम मुसलमानों का हो और तुम्हें अशरफ लंबिया ने बताया लेकिन तुमने अपनी बेटी के बारे में यह कानून नहीं बनाया और फिर दफन भी हो गए उस जगह पे एनन यही सवाल किया किसी ने अबू हनीफा से और सवाल करने वाले ने इस तरह सवाल किया कि मेरे पड़ोस में एक राफजी है नहीं मेरा भाई जो है वो राफजी हो गया है तो मैं आपके पास आया हूं कि आप जवाब दीजिए कुछ क्या कहता है तुम्हारा भाई तो कहा कि मेरा भाई ये कहता है कि ये लोग जो दफन हुए अशरफ अंबिया के पास ये इन्होंने रसूल को तोहफा दिया था अभी कोई सही माना में है। ये रास्ता बंद करने वाली बातें क्या इन्होंने तोहफा दिया था और फिर वो ले लिया और तोहफा दे के लेना तो बहुत ज्यादा कबाहत और कराहत और मलामत वाली चीज है यानी रसूल को पहले कमरा दे दिया फिर ले लिया आके ना 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 माजल्ला कह कहने फिर कैसे दफन हुए कहने लगे वो बेटी क्या है? बेटी की मीरास से कहने लगे तो बेटी की मीरास से कहने लगे मैंने यही कहा था अपने उस भाई से जो आपने जवाब दिया है ना शेख साहब मैंने यही जवाब दिया कहने क्या कहा उसने उसने कहा कि जब रसूल की बेटी को मीराश नहीं मिली तो उनको कैसे मिल गई अब ये वो हुए कहने लगे अगर मिल भी गई तो वो ये सवाल करता है कि अगर मीरास मिल भी गई अब तो मीरास नहीं होनी चाहिए ये कमरे नहीं होने चाहिए थे उनके इस कमरे में इनके कानून के, के मुताबिक ये कमरा किसका होना चाहिए था तमाम मुसलमानों का इस कमरे में दफन होने से पहले तमाम मुसलमानों से परमिशन लेनी पड़ती क्या कहा है कि ये माल किसका है माल का है फतक किसका है माल का है किसका है मुसलमानों का माल है तो कमरा किसका है मुसलमानों का है रहने वालों को भी इजाजत लेनी होगी तमाम मुसलमानों से देने वालों को भी इजाजत लेनी होगी अब तो उनके बाद हकी नहीं है लेकिन जो दफ्न हो रहे हैं उनको तो इसमें दफन ही नहीं होना चाहिए था क्योंकि पॉसिबल नहीं था तमाम मुसलमानों से इजाजत लेना चाहे कोई मिस्र में हो कोई इधर हो तो ये कहते हैं कि अगर मान भी लें कि उन्होंने अपनी मीराश दे दी तो सवाल ये पैदा होता है इस तरह से फर्ज कर लें कि कमरा अगर मान लिया जाए कि नौ बाय आठ का फर्ज करें मीटर का अब इस कमरे के बारे में भी डिस्कशन है कि जिसमें खुद जो जनाब आयशा की रवायात है ना जिसमें वो ये शो करना चाहती हैं कि जी मैं बड़ी मोहब्बत मुझसे वो करते थे तो में एक कि जगह इतनी कम होती थी कि मैं टांगे फैलाती थी तो वो खड़े हो जाते थे नमाज पे फिर जब मैं सजदा करते थे तो मैं टांगे ऐसे कर लेती थी यानी इतनी कम जगह थी इतनी कम जगह जो कितने से कमरे में हो सकती है अगर आप देखें या तो फिर मानना पड़ेगा कि भाई ये नमाज के आगे टांगे कर देती थी यानी इतना कम कमरा इस तख्त के बराबर होगा तो ये तस्वुर है ये वाली बात जैसे वो जो वर्थ वाली जगह होती है वो इल्ला तो इसकी जरूरत ही नहीं है यानी अगर दस बाय दस का भी कमरा है तो बाबा आप उधर सो आदमी इधर नमाज पढ़ ले कोने में नमाज के आगे टांगे डालने की क्या बात है अब अगर ये कमरा मान भी लिया जाए और एक नॉर्मल कमरा भी मान लिया जाए तो अशरफुल दुनिया से रुख्स हुए तो उनकी नौ बीवियां थी बिना मशहूर दसवीं बीवी का तो जिक्र ही नहीं करते वजह क्या है दसवीं बीवी काफिर हो गई थी और वो मानने वाली हो गई थी किसकी कज्जाक की उस दसवीं बीवी का नाम तो जिक्र ही नहीं करते ना उसका नाम था कोतला बिन कैसे वो काफिर हो गई थी वो भी उमनिन में से एक थी उनका नहीं जिक्र करते उस पर ताबील लाते हैं कि अभी रुख्सती नहीं हुई थी बाबा असल चीज तो निकाह है ना असल चीज निकाह है निकाह हो गया मम्मी बन गई लेकिन उसका जिक्र नहीं करते लेकिन अभी नौ मान लें, दस को छोड़ें तो कानून क्या है कि बीवी का आठवां हिस्सा होता है और वो आठवा हिस्सा डिवाइड होगा नौ हिस्सों में यानी अगर आप मान लें आठ बाय नौ गज का कमरा आठ बाय नौ गज के कमरे नहीं होते गज गज, यार्ड ना फीट का ही होगा ना क्योंकि इतना छोटा हम तो कह रहे हैं इससे भी छोटा था लेकिन हम बड़ा गुंजाइश करके आठ बाय नौ फीट का मान लेते हैं तो आठ बाय नौ का जब ऐसे मानेंगे तो बीवियों का हक बनेगा ये आठवीं पट्टी उसमें भी, भी नौ करने होंगे अगर मान लिया जाए इनमें से वो एक फिट और अगर आठ बाय नौ यार्ड का माना जाए तो एक गज बनता है जनाब आयशा का अब इसमें कोई दफन हो सकता है नहीं हो सकता। लेकिन सबसे पहला मसला यही आएगा कि जब बेटी को नहीं मिला और कमाल की बात क्या है इन घरों पे जो सबसे ज्यादा हक बयान हो रहा है किसका बयान हो रहा है उनी साहब की जोजा का यानी जिन्होंने ये कहा और ये हदीस अपने पास से बयान की कतन गलत है क्योंकि जनाब सैदा को इसका इलम होता अब कोई कहेगा ये हम तोहिन कर रहे हैं कतन गलत है ना हम मजबूर हैं क्योंकि अगर इसको हम सही मान लें तो हमें जनाब हजरत तैयब ताहरा सिद्दीका अजरा बतुल बेजर को कहना पड़ेगा उन्होंने गलत किया हम तो इस पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते या इन्होंने गलत किया उन्होंने गलत किया अगर वो सही कह रहे थे इसका मतलब है जनाब गलत कर रही थी हम तो इसके ऊपर नहीं है राजी उनको दलील लानी चाहिए थी और जनाब आयशा भी कहती है कि सिवाय उनके किसी को भी इसका इल्म नहीं था किसी को भी इम नहीं था बाकी जो लोगों ने नकल की है यह बात उनसे सुन के की है यानी किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम भी इस बात को सुन चुके हैं मस्जिद में अशरफुलंबिया ने फरमाया था यहां पर वही वाली बात है जो हजरत उम्मा ने फरमाई कि इसका इल्म अगर होना चाहिए था तो किसको होना चाहिए था मंजर अशीरत अखरबीन के तहत सबसे पहले जनाब सही क्या था इतफाक से यही जवाब याद रखें कि जनाब आयशा का ताल्लुक था बनी तेम से ये आपस में भी इनके बड़े फटे थे जिस वक्त ये पावर में आए तो अबू सुफियान मौला अमीर अल-मुअमिनीन के फेवर में नहीं बात कर रहा था इस खानदान से भी फड्डा था इनका भी खातून का बनो मैया से रहता था लिहाजा इनके जो दो भाई मारे गए वो बनुमैया के हाथों मारे गए खुद इनके और जो खुद इनकी भी मौत का एक सबब है जो कौल है ना भी माना जाए बेलाखिर वह बनो मैया और इनका और तीसरे सियासी खलीफा जनाब उस उस्मान का शदीद इख्तलाफ था इन्होंने फतवा दिया था अख्तुलनासल फकत का फरा कतल कर दो और नस्बत देती थी एक लंबी दाढ़ी वाले यहूदी से उसका नाम था नासल तो जनाब उस्मान को नस्बत देती थी यहूदी वाले यहूदी से कहते कतल कर दो काफिर हो गए और फरमाती थी कि अब तक तो रसूल का कुर्ता भी पुराना नहीं हुआ होगा जितनी जल्दी उस्मान ने शरीयत को पुराना कर दिया है वो सीधा कर दिया है फरमाती थी ये इनके खिलाफ बोलते थे ये इनके खिलाफ इसको छुपाया जाता है एक दफा इन्होंने डिमांड की कि मुझे कुछ दो मना कर दिया उन्होंने टक्कर तो चल रही थी तो उन्होंने कहा मुझे रसूल की मीरास में दो कौन सी मीरास तुम्हारे बाप ने ये मौजूद उठाया था और तुमने गवाही दी थी कौन सी मीराज और फिर वही वाली बात की कि जब तुम लोगों ने मौजूद उठाया था और रसूल की बेटी को नहीं मिली अब तुम्हें कौन सी चीज चाहिए लेकिन जो सबसे अहम मौजू है कि जो हमारे मोमिन को पता होना चाहिए कि लिया गया तो ये कह के लिया गया इसी झूठी रिवायत की बुनियाद पर नहनो मार्शा वो माता रखना हो सदका ये सब कुछ जो है वो सदक़े में जाएगा यानी पब्लिक के होगा मान लिया जाए कि यह था फर्ज कर लें तो पहले खलीफ़ा सियासी ने काम सही किया इनके हिसाब से सही किया दूसरे ने क्या किया अपने कंट्रोल में रखा हो गया ना तीसरे ने क्या किया उन्होंने क्या किया इसके साथ फदक के साथ उन्होंने ये किया कि हकम और मरवान यानी मरवान का बाप था हकम और हकम था चचा उस्मान का इन दो को अशरफ अशरफुल्बिया ने मदीने से निकाल दिया था और तबातुर के साथ रिवायात हैं खुद अहले सुन्नत में लान अल्लाह हकम वलद लानत हो हकम पर और जो इससे पैदा हो अब तस्बर करें कि आपने फरमाया बनु उमैया के लिए शजरा मलऊना आपने फरमाया बनु उमैया में से खास हकम के खानदान के लिए और फिर यह पूरा चला मरवानी हाकिमों का क्योंकि माविया माविया के बाद यजीद यजीद के बाद छह महीने माविया बेन यजीद के जो अच्छे आदमी थे उन्होंने तख्तो ताज छोड़ दिया बाद में हुकूमत किसके हाथ में गई मरवान वो जो पूरी बनो मैया की हुकूमत थी वो आले मरवान की शाख के पास गई अब आप तस्वुर करें अशरफुल्बिया बनैया के लिए फरमा रहे हैं शजर मलूना और खसूस इस खानदान के लिए कह रहे हैं लानकम लाना तो हकम के ऊपर और जो इससे पैदा हो और शायद इसकी वजह यह थी कि ये वो लोग हैं जो मेरी आल पर जुल्म करेंगे लेकिन ये हकम बन गए इन दो को निकाल दिया था अशरफो लंबिया ने ना पहले सियासी खलीफा जनाब वो बकर की जरूरत हुई बुलाने की ना दूसरे सियासी खलीफा जनाब उमर की जरूरत हुई इनको बुलाने की बुलाया तो किसने बुलाया मुखालफत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफा ने तीसरे सियासी खलीफा ने ये सलाह याद रखें तीसरे सियासी खलीफा ये ताहिर साहब की जाते है कि सुल्तान ये हैं सल्तनत वाले खलीफा ये हैं सियासी खलीफा ये हैं इलाही खलीफा जो है मौला आमिरुल मोमिनीन से امام زمان علیہ الصلات والسلام का था तो ये हम तोहिन नहीं कर रहे हैं ये पहचानवाने के लिए कर रहे हैं इलाही खलीफा पहले मौला आमिरुल मोमिन सियासी खलीफा पहले अबू इलाही खलीफा दूसरे امام हसन, सियासी खलीफा दूसरे जनाबे उमर इलाही खलीफा तीसरे امام حسن امام हुसैन और सियासी खलीफा दूसरे उस जनाब उस्मान उसने कोई तोहिन वाली चीज नहीं ये हमारा हक है कि हम क्लियर करें वो कहते हैं आप खलीफा मानते हैं और बिल्कुल मानते हैं जैसे मानते हैं सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले उन्होंने क्या किया कि इन दोनों को बुलाया बुलाने के बाद अफ्रीका का पांच लाख हु मरवान को दिया कितना पांच लाख रुपए डॉलर दीनार हर दीनार दस ग्राम का और दस दरहम का और हर दरहम ढाई ग्राम का ढाई ग्राम चांदी दस लाख सोने के पांच लाख सोने के सिक्के हर साल किसको जा रहे थे मरवान कौन चचादाद भाई और कौन दामाद मदीने की सारी मार्केटें मंडियां दे दी किसको हारिस बिन हकम को मरवान के भाई को और फदक लेके दे दिया किसको मरवान को अब यहाँ पे सवाल होगा कि क्या खलीफे सियासी दो का अमल सही था जनाब सैदा के साथ या का सही था इन्होंने सही किया उन्होंने सही किया यहाँ पर इन्हें इख्तियार है या इन दो के अमल को सही कहेंगे या इनके अमल को सही कहेंगे तीनों के अमल को सही नहीं कह सकते सल्वात बर मोहम्मद मोहम्मद लिहाजा फदक का जो मौजूद है वो वह की बात नहीं है गोके तूल अर्ज की अहमियत है गोके दरख्तों की और उसकी काश्तकारी की और दरख्तों की तादाद की और खजूरों की जो नस्ल थी उसकी और कितना निकलता था यह सब कुछ है लेकिन इससे खत नजर वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो दरख्त कम हो या ज्यादा हो दरख्तों में हत्या कीड़े लग गए हों दरख्त चाहे सूख क्यों न गए हों असल मौजूद जो है फदक का याद रखें कि वो ये बयान करता है कि बाद अशरफुल अंबिया पहला कज़ावत का काम कुरान और रसूल अल्लाह के खिलाफ हुआ था कितना बड़ा था फदक कौन से दरख्त थे किस नस्ल के थे कितने दरख्त थे कितने वहां पर कारिंदे काम कर रहे थे जनाब सैदा मौलामिन के कितनी आमदनी थी कितना रखा रकबा था ये अलग मौजूद कर दें हता वो दरख्त भी सूखाबा कर दें हता वो दरख्त भी कटा हुआ कर दें असल मौजू यह है कि फदक जनाब सैदा की ल्फकार थी जिस तरह से मौला अमीरमिन ने जोल्फकार के जरिए से शरीयत रसूल अल्लाह का दिफा किया अशरफुल अंबिया के दौर में जनाब सैदा ने अपने बाबा की शरीयत और कुरान का दिफा किया और कुरान और शरीयत के मुकाबले में आने वालों के चेहरों से नकाब हटाई इस फदक के जरिए से सलबात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद कल भी हमने तवज्जो दिलाई कि जनाब सैयदा के मसाइब बयान हो या वो मसाइब बयान हो कि जो जनाब सैयदा पे पड़े लेकिन असल मसायबी रसूल अल्लाह के थे असल मसाइब मसायबी मौला अमीरुल अमीर के थे अशरफुल अंबिया पर क्या गुजरी कल कुछ हमने तवज्जो दिलाई रिवायात में बयान हुआ कि सात दिन जनाब सैयदा घर से नहीं निकल पाई बुरा हाल था रो रो के वो कौन थी वो अंबिया की बेटी थी वो खैर कसीर थी लेकिन साथ में वो बेटी होने के साथ साथ खुद अंबिया ने क्या फरमाया था कि ये मेरी माँ है और फिर ये एक ही नूर के हिस्से थे सात दिन तक जनाब सैदा का बड़ा बुरा हाल रहा और फिर बाद जगह बयान हुआ कि आठवें दिन पहुंची कहां पर कब्र मुतहर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम पर और जब पहुंची तो बस बाबा की कब्र को देखा और कब्र पे गिर पड़ी और बेहोश हो गई फिर जो बीबियां साथ थी उन्होंने संभाला और चेहरे पे पानी डाला और जनाब सैदा होश में आई ये पहली जियारत थी जो जनाब सैदा ने अपने बाबा की की अब ये क्या जनाब सैदा के मसाइब हैं ना ये जब बेहोश होके गिरी तो इसी कब्र पे जनाब सैदा के मुख्तलिफ अशार हैं कि जिनमें से एक ये भी है अन्ना सुब्बत सब्बतिया तो जनाब सैयदा की कैफियत तो नजर आ गई कि किस तरह से बाबा की कब्र पे गिरी और बेहोश हो गई लेकिन तस्बर करें कि अशरफुलंबिया पे क्या गुजरी है। क्योंकि यही वो दिन है कि जिस तरह से तारीख में बयान हुआ कि दफन के बाद जनाब सैदा के घर का घिराव हुआ फिर दूसरे दिन हुआ दो दिन के बाद हुआ और फिर पांचवें या सातवें दिन तो शायद ये वही दिन हो कि जिस दिन जनाब सैदा के घर का घिराव हुआ या शायद ये वो दिन हो कि जनाब सैदा का घिराव हो चुका है और ये पांचवें या सातवें दिन घिराव भी हुआ और दर को जलाया भी गया ताजियाना भी पड़ा तमाचा भी पड़ा और पसलियां भी टूटी तो अब अगर यह सातवां दिन वो वाला दिन है तो कहा जाएगा कि अंबिया के लिए यह कयामत का दिन था अशरफुल्बिया के लिए कयामत का दिन था क्यों कि एक जानब तो अशरफुल्बिया बार बार सुन रहे थे कि लोग मुहासरा कर रहे हैं उस घर का कि जिस घर के दर पे खड़े होकर अशरफुल्बिया आए तथीर की तिलावत फरमाते थे इन न तो उसके बाद सलाम करते थे और जब तक जवाब ना आ जाए तो उस वक्त घर में दाखिल नहीं होते थे लेकिन अशरफुलंबिया उस दरवाजे के पास से उन्हें आवाजें आ रही थी कि मेरी बेटी को धमकियां दी जा रही और उसी दरवाजे के पास से एक वक्त आया कि अशरफुल अंबिया को आवाज आई कि फातिमा फिजा को पुकार रही है मदद के लिए या फिजा ये ग्यारह हिजरी में रसूल के मसाइब हैं अब ये जो हमने मसाइब में जुमला कहा कि सातवें दिन गई तो बाबा की कब्र को देखा और गिर पड़ी और उसके बाद बेहोश हो गई तो शायद ये वजह रही हो कि अब सातवें दिन पहली दफा बाबा की खबर को देखा अब देखते ही हालत गैर हो गई अब जो गिरने का चीज सबब बनी वो क्या बनी आया बाबा की खबर को देख कर गिर पड़ी यही वजह बनी या टूटी हुई पसलियां भी वजह बनी तो दिल ये कहता है कि बाबा की खबर पे जब जनाब सैदा गिरी हैं तो एक जाने बाबा की खबर को देखने की वजह से और दूसरी वजह क्या हो सकती है कमर में ताकत नहीं है पसलियां टूटी हुई हैं अब जो बेहोश हुई तो बाबा की कब्र पे गिरने की वजह से बेहोश हुई या पसलियां टूटने के बाद जब अली के गले में रस्सी को डाला गया और सैयदा पुकार रही थी फिजाजी लखला मुझे थाम लो मेरे शिकम में जो मोलूद था उसे कत्ल कर दिया गया और फिर उसके बाद पुकारा अबुल हसन ऐना अबुल हसन हल्लू अबुल हसन हल्लू अबुल हसन कहाँ ले गए अबुल हसन को कहाँ ले गए अबुल हसन को बस अशरफुल मेरी बीबी आज आप आई अपने बाबा की खबर पे और आप बेहोश हो गई और आपके जिसम पे नील और ताजियाने का निशान आपके बाबा ने देखा आपके बाबा के लिए का दिन था लेकिन यही एक दिन दोबारा आपके बाबा पर आएगा कब? कि आज आप मदीने से अपने बाबा की कब्र पे गई कल जैनब करबला से जब मदीने में आपके बाबा की कब्र पे आएगी आपने एक ताजिया का निशान दिखाया आपके बाबा जैनब और उम्मो रुखया बिन तेली खतीजा बिन त्याली सफिया बिन तेली फातमा बिन तेली उम्मे कुल सोम बिन त्याली इन तमाम बेटियों ने जब अली की बेटियों ने रसूल अल्लाह की कब्र पे जाकर गिरिया शुरू किया होगा तो अभी भी आज आपके बाबा ने आपके जिस्म पे एक कोड़े का निशान देखा कल अपनी इन तमाम बेटियों के जिसम पे दर्जनों कोड़ों का निशान देख के रसूल अल्लाह पर क्या गुजरी होगी या अल्लाह जिस जिसने रसूल अल्लाह जनाब सैद और आय पे जुल्म किया उन सब पे लानत फरमा